करके जो इनके माता पिता हैं कृपया करके आप लोग संपर्क कर लेंगे। छोटा सा बच्चा बोलने की बात तो दूर, यहाँ सिर्फ रो रही है, छोटा सा बच्चा है, बच्चा है कि बच्ची है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ कमिटी के पास है, कृपया करके आप लोग यहाँ ले लेंगे। जहाँ रंगी रेखांगी नियर साउथ साउथ की खेल तो अपना और एफसी मरंडी एफसी के टीम के मैनेजर से गुजारिश होगा, एक प्रति खिलाड़ियों की सूची आप जमा कर दें, अभी तक यहां जमा हुआ नहीं है। और खिलाड़ियों के लिए ऑफर, मनोहर ऑफिशियल की तरफ से, मनोहर ऑफिशियल चैनल के मनोहर मरंडी जी घोषणा कर रहे हैं, जो भी खिलाड़ी मरंडी एफसी के समर्थक लग रहे हैं उनका घोषणा है, जो भी खिलाड़ी पहला गोल मारेंगे, माफ कीजिएगा, हैट्रिक गोल के लिए ऑफर रखा है 1000 रुपए का, और साथ ही जो भी खिलाड़ी हैट्रिक गोल दागेंगे इस टूर्नामेंट में, कल से ही लगातार वो खिलाड़ियों को 1000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी इस मैच में जितने भी गोल होंगे, जितना भी मैदानी गोल इस मैच में होगा, इस क्लब के उपाध्यक्ष राजू मुर्मू की तरफ से 101 रुपए से सम्मानित होंगे जो खिलाड़ी गोल दागेंगे। तो यहां पर पैसों की बारिश हो चुकी है, से बढ़कर एक टीम नोडेकिन फेडकान बुनिया, लेकिन मरंडी एफसी अनिल किस्कुजी सा स्टार खिलाड़ी और स्पेनिश होगा तो जब तक कोई जस्ती चर्चित मीटे फॉरनर प्लेयर कोई बुनिया लेकर और अनिल किस्कु नुकीना जोड़ीदार, जबकि अनिल किस्कुजी से स्टार खिलाड़ी नुकुतला रे मीटे संदार मीटे आमना सामना हुई करना और नियरू तेमेन किया बना टीम के अड़ी महत्वाकांक्षी अड़ी लटू नमी टीम बनार के आमने सामने करना। ये बीच रहे उसूल बचा खिलाड़ी हेडिंग करते बॉलर वर्ड की और ने बीच रहे बीचे मौका हुई दड़े आ मेनखा पाकुड़ होते तेड़ी मौज बंचाओ नोडे गोरा चल बोले रिटर्न लेदा मेनखा ने बीच रहे स्पेनिश अड़ी स्टाइल से ला बीचे खिलाड़ी ठोक कर दिया 99 नंबर जर्सी हो रोका खिलाड़ी और जहां जहां टूर्नामेंट रे लटू टूर्नामेंट रे नई खिलाड़िया जो और स्पेनिश आज इस समय मरंडी एफसी टीम से यो खेलने के लिए फिलहाल इस समय पूरी तरह से तैयार है। खेल ने दबी कूदो का संजय बास की इनाम लिखा गोल कीपर कराए सुखलाल किस्कु मनाया 5 नंबर ने और टीम रन कैप्टन सुशील किस्कु रेस मैच रेफरी होते थे और कोई धनवा मैच रन मुख्य रेफरी बुन लेकर दीपक मिश्रा ओके उड़ीसा को सेटर कर न्यू रेफरी और निया बीच रहे क्रॉस पास गोल एरिया रे मैन खान गोलकीपर सुरक्षित ग्लव्स रे बॉल चला तुलोई गोलकीपर संजय बास की फिलहाल रिलीज बॉल ओपन चांस है क्या गोल मार पाएंगे लेकिन बहुत बड़ी गलती अकेले तन्हाई में खिलाड़ी खड़े थे मगर शॉट लगाया सीधे गोलकीपर बिट्टू किस्कु के सुरक्षित ग्लव्स में। आप इस तरीके की मौके को नहीं गवा सकते और ये मौका को फिलहाल जिस तरह से गवाया है खिलाड़ी 11 नंबर जैसी पहने हुए मुन्ना मंडी तो माफ कीजिएगा जो कि 11 नंबर रायसिन टुलू जो कि फॉरन थे और सागर मोती महामला कला पाकुड़ टीम लगे नीचे और ऑफर है जो तले फर्स्ट गोल लगे 500 रिया
एनवाईसी क्लब रन सदस्य रमेश मुर्मू से खो 500 रिया घोषणा नवा दो सागर मोती बहामला क्लब लगी आनी बीच रे सनी थे बॉल बड़ी मौज मीचे कटिंग करते उन्हें पास है माउथ था स्पेनिश लहा से आरेंग गाती अड़ी मौज थ्रू पास ही मारिया कुरमटुल दा मेनखान नोडे कोम बनुकुआ पाकुड़ रंग खिलाड़ी नितो चेस डाउन करते पास ही मारिया कुरमटुल दा मेनखान मिडिल रहे फिलहाल बॉल बाबूता बाबूता दो आयरन हाफ रन खिलाड़ी 22 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी पास का दिया रूपलाल टुडू और रूपलाल दो अड़ी मौज लेफ्ट इन रन खिलाड़ी लहा से आरंग आती लिखा सरकार ना मन का अनिल किसको थोड़ा कर रहा है स्टार खिलाड़ी गोराचंद मन खान बॉल कंट्रोल रहे उस समय आपस रे बढ़िया खिलाड़ी तालमाल रहे थोड़ा गन गड़बड़ा में लिए थे बॉल दो बाहर से उड़ूक करा और स्पेनिश थ्रू पास मन खान मिडिल हाफ रन खिलाड़ी गोराचंद लगी नो खिलाड़ी चेंज किया गोराचंद तेज गति से लहा से आरंग आती लगी फॉरवर्ड पास में बॉल भी आउट कर रहा तर्ज दबे 19 लेबल भी लोई खिलाड़ी सेटर चुकाऊ करना गोराचंद और उम्मीद बिना तयम दराम पर से हुई दड़ा आईसीएल रे हबु नियलती दरी या हबुआ इंडिया टीम लगी हुई दड़ा मीचे उम्मीद बुंद होया मीचे होप ता है ना पसे उड़े दबी हुई लवे तीर नुआ निया बीच रे उड़े मीचे मौका ता मौका को नाम लेदा मीचे गोल दगा लगी बना टीम की अगर नीतम तुलक इनका बना टीम अड़ी समान पैमाना मिथा में मी की वजन मतलब खेल बनार से खोय और अक्सर जब उड़ा सुरा टीम को तहन खानी सीत रूप से बना टीम बड़ी सुंदर को अत्याल संगीन को शॉट बाटे शॉट मैन खान गोल रे बांग बदल लेना अड़ी मौज पास स्पेनिश हाफ लाइन का लास है दिरिया कुरमटो अड़ी मौज आप रे लेफ्ट इन रन खिलाड़ी पोजीशन बनाओ करते लहा से आरंग आते कोटा पास हुआ मैन खान अड़ी मौज बढ़िया पिया खिलाड़ी चकाव कटाव करते लहा से पास एम लेदा मुन्ना दो मैन खान उन्हें बॉल कंट्रोल दड़िया करा से बाहर बनाओ करा चाहे डिफेंस लाइन हो चाहे फॉरवर्ड लाइन हो जब तो खिलाड़ी अक्वा अक्वा विभाग रहे 100% परफॉर्मेंस से मौलगी ये था बाबूता बड़े नामदार खिलाड़ी निया बीच रे 11 नंबर निया था अनिल किसको निया साव साथ की 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मरंडी एफसी की तरफ से मुन्ना मरंडी पूरी तरह से छा गए हैं ₹101 का और उसके हकदार हो चुके हैं मुन्ना मंडी जिसने अभी अभी एक शानदार गोल दागा है मरंडी एफसी टीम के लिए और अब यहां से इस मैच में निश्चित रूप से तेज गति से खेलना पड़ेगा मैच में वापसी खेल ले अब देखने वाली बात होगी क्या यहां से मैच पर वापसी करेंगे देखने वाली बात होगी पाकुड़ की टीम पाकुड़ रैंक खिलाड़ी नीतो कुरमटू लगाओ कुआ मीचे गोल को थोड़ा गन को तायम करना मैन खान टीम रे कैप्टन ओडे बड़ी मोई सुशील कटी में अच्छा पास गुरा चंद तायम से आ रहे कैप्टन गेम का दिया आज ओडे सुशील के से अच्छा एक दो खिलाड़ी के नीचे बहुत ही सुंदर कटिंग लेकिन यहां पर देखिए विदेशी मूल के खिलाड़ी को जिस तरह से चकमा दिया और यही तो मैं कहता हूं देसी खिलाड़ी और देसी घी का कोई जोड़ नहीं है और इसी भी थ्रू पास लेकिन ये इससे पहले ऑफसाइड ये बीच रहे बॉल नोड़े नाम का खिलाड़ी नेले बोन पाकुड़ रंग खिलाड़ी गोरा चंद पास का दिया गोरा चंद सिचुएशन ये आधारते है उन्हें आयरन बैक रंग खिलाड़ी 5 नंबर है पास बड़ा दी था और 5 नंबर का सुखलाल की स्क्वाडी मोई बॉल या छत्र को लहा से बढ़ाओ के दा बाबूता कटिंग करते लहा से पास बड़ी सुंदर बना टीम रिया गाती रिया अगर हम यल खाए रंग ढंग बना टीम बड़ी शानदार लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां पाकुड़ की टीम को इंतजार नहीं करना है फर्स्ट हाफ में ही
वापसी करने होगा, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अब स्पिनिश तेज गति से अच्छा पास निकाला यहाँ पर थ्रू पास, हालांकि यहाँ पर मेरे असिस्टेंट मेरे सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर राजेंद्र हसदा, मैं माइक्रोफोन पर उनको आमंत्रित करता हूँ। लीड कर रही है मरांडी एफसी की टीम और इसे वापस करना होगा, और ये गोल तक कब तक वापस लेती है मरांडी एफसी की टीम? उनके टीम के ओर से दो विदेशी खिलाड़ी के अलावा एक नामी खिलाड़ी अनिल किस्को। और यहाँ पर है मौका गोल मारने का, एक खिलाड़ी को बीट कर लिया, बराबरी। बहुत बड़ा अचीवमेंट इस खिलाड़ी का जिसका कर रहे थे चर्चा, वही हो गया है। जर्सी नंबर 16 ये अपनी टीम को दिया है सबसे बड़ा कमबैक राजेश सोरेन, स्कोर लाइन को कर दिया इस खिलाड़ी ने एक एक का। अब मैच में आएगा और मजा, स्पेनिश अनिल किस्को और बाबूटा, अब इसको फिर से मेहनत करना होगा 2-1 की बढ़त के लिए, और यहां से ज्यादा असिस्ट करना होगा गौराचंद मरांडी को। यहां पर पूर्वी गोल पोस्ट के ऊपर में जिस तरह से सेकेंड हाफ का खेल शुरू ही हुआ था और मैच बराबरी पर, अब देखना होगा किस तरह से खेलेंगे मरांडी एफसी की टीम। बाबूटा के पास बॉल एक बार फिर से, यहां पर रेंज को कम करेंगे, पास निकाला है स्पेनिश के लिए, स्पेनिश यहां पर थ्रू बॉल अनिल किस्को के लिए, यहां पर रॉन्ग टैकल किया गया है वहां पर, लेकिन जैसा भी किस्मत अच्छा है पाकुड़ टीम के खिलाड़ियों का। इसी जगह से इसी पोजीशन से वह पूर्वी गोल पोस्ट के ऊपर में गोल मारा था, उसी जगह से सेट पिच यहां पर, और ज्यादा नहीं 10 यार्ड की डिस्टेंस पर वॉल बना सकते हैं इस खतरे वाले शॉट से बचने के लिए। और लेंगे वही स्ट्राइक, छोटी रना लेकिन शॉट होने वाला है बुलेट के रफ्तार का, शॉट किया था लेकिन टारगेट के काफी ऊपर से अंदर भेजा है मरांडी एफसी के ओर से। यहां पर उमेश मांडी के बदले में मिलन सोरेन को उतारा गया है पिच पर, इसी बीच में यहां पर बढ़िया हेडर, स्पेनिश से बॉल को छीन लिया गया है, पाकुड़ टीम के पास बॉल पोजीशन रहेगा, पाकुड़ टीम के पास पलटवार करने का एक अच्छा मौका है, इसी बीच में बॉल को आगे निकाला था और अच्छा टैकल वहां पर, अभी भी टैकल जारी है मरांडी एफसी की ओर से। ये खिलाड़ी रेंज को फिर से एक बार कम कर रहे हैं, ये अच्छा क्रॉस है वहां पर लेकिन उतना ही बढ़िया हेडर, और वो पाकुड़ टीम के कोई भी खिलाड़ी नहीं थे, और मरांडी एफसी की ओर से सेकंड गोल के लिए भी रमेश मुर्मू जी घोषणा कर रहे हैं, जो भी खिलाड़ी सागरमती बाह क्लब पाकुड़ की तरफ से गोल दागेंगे सेकंड गोल के लिए 1,000 रुपये से सम्मानित करेंगे। और अब यहाँ पर मरांडी एफसी टीम के पास बॉल, यहाँ पर फर्स्ट हाफ में यहाँ पर मरांडी एफसी टीम की ओर से गोल आया, सेकेंड हाफ में पाकुड़ की ओर से, यहाँ बहुत ही नजदीक बॉल आ चुका है किस्को के पास, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया स्लाइड किया बॉल को, गोल कीपर को तारीफ करना होगा, गोल होते होते बच गया यहाँ पर, और ये लंबा शॉट पूरी तरह से खतरा हुआ है, खतरा को खिलाड़ी से पाकुड़ की टीम को बहुत ज्यादा उम्मीद है गोराचंद से, अच्छा पास गोराचंद के द्वारा, और दो खिलाड़ी वहां पर बाबूटा और स्पेनिश, अच्छा पास अपने ही हाथ में निकाला है, और थोड़ा सा इस बार होल्ड किया इस खिलाड़ी ने, कटबैक करने के बाद अग्रिम पंक्ति को देख रहे हैं पर सिटी, यहां पर लंबा ऑफ साइड का किक, बॉल जा रही है साइड लाइन की तरफ और इसे बचा लेंगे मरांडी एफसी टीम के खिलाड़ी, मरांडी एफसी टीम के पास ही बॉल,
दोनों खिलाड़ी के बीच में थोड़ा सा तालमेल की कमी और इस तालमेल की कमी की वजह से पाकुड़ की टीम को मिला है बॉल। पाकुड़ के पास ही बॉल, लंबा खेला है बाई प्लेइंग के क्षेत्र में और ये लंबा हेडर अभी तक अच्छा है और ये एक शानदार पलटवार हो जाएगा इस मैच में और सेमीफाइनल के लिए जगह बनेगा अगर यहाँ से फिर से कोई गोल नहीं करते हैं मरांडी एफसी के ओर से। लेकिन अनुमान लगाना उतना आसान नहीं होगा इस मैच में आगे क्या होगा। कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार, बहुत छोटा वन बाउंस, पाकुड़ की टीम के पास ही बॉल रहेगा और यहाँ पर बहुत पीछे यहाँ पर बैक पास किया है, जमीनी शॉट, पाकुड़ के पास ही बॉल पोजीशन, अभी मौका है यहाँ पर दूरी को कम करना चाहेंगे वहां पर पाकुड़ टीम के खिलाड़ी के पास ही बॉल, बहुत बढ़िया पासेस यहाँ पर खेल रहे हैं और यही जरूरत है किसी भी टीम को। ये जमीनी शॉट और लुढ़कती हुई बॉल सीधा गोलकीपर के पास, यहाँ पर अनिल किस्को नीचे में जरूर थे और किस्को का यहाँ पर जो बॉल रोका था उसका शॉट पीछे गया था, लेकिन ये डिफेंडर का शॉट बहुत बढ़िया किस्को एक बार फिर से। किस्को बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, ये रन इतना बेहतर लगाते हैं कि आप उसके ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी को समझ में नहीं आता है कई बार। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, इसका स्ट्रेंथ को अगर आपने पढ़ लिया है तो इससे आप बॉल को छीन पाएंगे। ये लंबा बॉल, लेकिन वहां कोई भी खिलाड़ी नहीं वहां पर बॉल देंगे, लंबा खेला है बिट्टू ने, स्पेनिश वहां पर बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए और इस बार फिर से स्पेनिश वहां पर उसके पास ही बॉल साइड लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। स्पेनिश बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, विदेशी मुल्क में से वो चर्चित खिलाड़ी में से एक अभी तक, बहुत बढ़िया वहां पर इतना बेहतरीन कटिंग करते हैं, बीट करके आगे निकालते हैं, दर्शक दंग ही रह जाते हैं। इसका खेल से का मौका मिला है मरांडी एफसी को, मरांडी एफसी के पास सी बॉल और ये क्रॉस आया लेकिन थोड़ा सा बाहर, हेडर लेने का प्रयास वहां पर किस्को का, किस्को के पास मौका और ये हाफ वॉली शॉट बनाना चाहेंगे किस्को। दो खिलाड़ी को बीट कर गए थे और वहां पर अपने ओपोनेंट टीम के डिफेंडर में टकरा कर वहां पर गिर गए। बॉल गोलकीपर के लिए, पाकुड़ एक मरांडी एफसी एक, इस मैच का स्कोर लाइन। लंबा गोल किक यहां पर पाकुड़ टीम के गोलकीपर के द्वारा संजय बासांडी एफसी के हाथ में वहां, और अंतिम समय तक यहां पर देखना बेहद ही रोमांचक होगा ये मुकाबला में किस टीम की ओर से गोल हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर अपने ही हाथ से बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉट को निकाल दिया है, कोई खतरा नहीं रहेगा और यहां पर एक खिलाड़ी को पार कर चुके हैं। ये डाला था किस्को ने, उसका पास वहां पर बेकार जाता हुआ, अब ली जाएगी बहुत आगे, यहां पर बहुत आगे से ऑफसाइड का क्षेत्र यहां पर बना के रखे हैं पाकुड़ टीम के खिलाड़ी, ताकि अब यहां पर जो गोल किया है पाकुड़ की टीम वो गोल अब फिर से वहां पर खाना नहीं चाहेगी पाकुड़ की टीम। बॉल जा रही है साइड लाइन के तरफ, ये नहीं होंगे सफल, यहां पर बॉल होगा मरांडी एफसी के पास, बहुत बढ़िया पास यहां पर, तीव्र गति से एक बार फिर से बॉल को बढ़ा रहे हैं गोल पोस्ट की तरफ, थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, जगह नहीं दे रहे, बहुत ही बढ़िया टैकल कर रहे हैं, दो तीन खिलाड़ी से टैकल कर रहे हैं, फ्लैग हवा में उठा है, या फिर इस शॉट के माध्यम से देखना है इस मैच में शॉट तो लिया था। ये बाइसिकल किक बहुत ही बढ़िया, ओहो यहाँ पे जगह था शॉट के लिए लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं और इस बार मिला है मरांडी एफसी की टीम को बॉल, लेकिन लुढ़कती ही बॉल गोल लाइन से बाहर पहुंच रहा था, बॉल को कलेक्ट करने का, बॉल को कलेक्ट किया और वहां पर जब उठा तो मिले कंधेयार का बढ़िया उछाल। अब यहां पर डिफेंस लाइन के खिलाड़ी के पास बॉल, अब यहां से मुझे लग रहा है कि दोनों टीम के खिलाड़ी डिफेंसिव ही खेलना पसंद करेंगे क्योंकि मैच एक की बराबरी पर है। क्या है बहुत ही ताना झाकी यहां पर और बॉल चली गई है साइड लाइन से बाहर, थ्रोइन लेने का मौका मरांडी एफसी को, मरांडी एफसी के ओर से 22 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रूपलाल टूटू वहां पर थ्रोइन के लिए तैयार। स्पेनिश आ रहे हैं बॉल को लेने के लिए, वो इशारा कर रहे हैं कि यहां पे थ्रोइन लगाइए, बॉल पोजीशन को हम रखेंगे, 2-in-1 राउंड टैकल, माफ कीजिएगा यहां पर बॉल साइड लाइन से बाहर गई थी और ये अच्छा डिफेंडिंग लेकिन उतना बढ़िया नहीं, हवाई शॉट लगा बैठे थे
और फिर से रेड कलर वाली जर्सी के पास बॉल, बहुत ही